एक अच्छे आदमी को चोट लगती है तो उससे साथ जुड़े बाकी लोगों को भी उसके लिए दर्द होता है। दरअसल ये बात जो है अब शिल्पा शेट्टी ने शेयर की है। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों राज कुंद्रा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी एक्स वाइफ कविता को लेकर उन्होंने बहुत सारे खुलासे और दावे किए हैं। उनका ये भी दावा है कि कविता ने पैसे मिले थे इसलिए जो है उसने शिल्पा के बारे में और ये अपनी जो तलाक की स्टोरी है वो बेची थी। शिल्पा के जन्मदिन के आसपास कुछ आर्टिकल आए जिसमें उनको घर तोड़ने वाली महिला भी बोला गया, क्योंकि राज की एक्स वाइफ यानी कि राज ने तलाक लेकर जो है शादी की थी शिल्पा से। तो राज से बिल्कुल भी ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा कि अब सही समय है चुप्पी तोड़ने का। और उन्होंने सारा बताया कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि कैसे कविता का अफेयर जो है खुद उन्हीं की बहन के साथ, बहन के पति के साथ था। उसके बाद राज की जो बहन है रीना, उसने भी आकर ये सारी चीजों के खुलासे किए। राज ने यह भी दावा किया कि शिल्पा इस बात से नाराज थी कि मैंने ये सारी बातें कही। लेकिन अब शिल्पा की ओर से एक ऐसा पोस्ट शेयर किया गया है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो राज को लेकर कुछ कहना चाहती हैं। हालांकि डायरेक्टली जो है उन्होंने राज को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, एक किताब का पेज शेयर किया है जिसमें लिखा है, जब एक अच्छे आदमी को चोट लगती है तो उसके साथ जो भी अच्छे लोग जुड़े होते हैं सभी को दर्द होता है। उसी किताब में आगे लिखा है, अच्छाई अलगाव में मौजूद नहीं, अच्छाई का हर काम अच्छे में योगदान देता है। इसी तरह जब अच्छाई के किसी काम में देरी होती है या असफल होता है तो हम सभी को कष्ट होता है। कभी कभी हम देखते या सुनते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हुआ, हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि इसका हमसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब एक अच्छे व्यक्ति पर हमला किया जाता है, घायल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है या दुनिया में कहीं भी मारा जाता है, तब लगता है कि हम सब थोड़े कम सुरक्षित हैं। तो ये जो है उन्होंने किताब का पेज शेयर किया है जिसमें ये बातें लिखी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका ये इशारा जो है उन सारी बातों की ओर हो सकता है जो राज ने शेयर की है कि कैसे राज को परेशान किया गया, उनके पति को, उनकी एक्स वाइफ ने जो है किस तरीके से, जो रिश्ते की बात आई थी, जो रिश्ते टूटने की बात आई थी, दो घर टूटने की बात आई थी, उसी की ओर शिल्पा का ये पोस्ट जो है इशारा करता है।